वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकारों के विकास कार्यों को गिनाने में लगी हुई हैं। लेकिन इन सब तमाम बातों के बीच राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में एक ऐसा इलाका भी है जहां पर विकास पहुंचा ही नहीं। इलाके के लोग आज तक विकास कार्यों से नावाकिफ है। हम बात कर रहे हैं मलिहाबाद और बख्शी का तालाब की, जहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पार्टियों की आपसी कलह के चलते पूरा ही नहीं हो पाया। सपा सरकार में शुरू हुए फ्लाईओवर का काम 8 साल बीतने के बाद भी आज तक पूरा नहीं हो सका और उसके बाद लोगों की परेशानी यह है कि लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का अंबार ऐसा है कि लोग परेशानी में ही जीवन बिता रहे हैं। किसान पद का ये अच्छा वो कुलवा वाला जो कुलवा पुल, कुलवा तो वो कुलवा वाला पुल लगभग कंप्लीट होने पर है और कुछ बीच में कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया था, राजनीतिक दल के लोगों ने ही अड़ंगा लगाया था, दूसरे दल के लोगों ने, ये पुल ना बने उसमें बड़ी बाधा पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसमें मैंने सब लोगों को लग करके किया और पुल कम्प्लीट हो गया और लगभग स्टार्ट किया। सर, ये इसकी सरकार विकास को लेकर चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन राजधानी लखनऊ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी लोग लकड़ी की नाव पे बैठकर शहर जाने को मजबूर हैं। मैं आपको दिखा दूं कि मैं लकड़ी की नाव पर चल रहा हूं और ये गोमती नदी है। लोग शहर जाने के लिए, दवा लाने के लिए लकड़ी की नाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, आइए पूछते हैं ये लोग कैसे रोज ऐसे ही जाते हैं और जो इनकी समस्याएं हैं मूलभूत से, उसका कैसे इनका लाभ मिल पा रहा है। क्या नाम है दादा जी? नागेंद्र। नागेंद्र जी, आप तो रोज जो है लकड़ी की नाव से निकलते होंगे। जी सर, ये कब से समस्या बनी हुई है और मतलब अभी तक ये पुल क्यों नहीं बन पाया? ये सर समस्या बहुत पुरानी है, हम लोगों की जो है जब से शुरू हुआ पैदाइशी समस्या है, लेकिन कुछ जो है समस्या का निदान हुआ सपा सरकार में, लेकिन कुछ राजनीतिक तरीके से काम फिर रुकवा दिया गया। उसके बाद में जो है माननीय सांसद जी कौशल किशोर जी ने जो है बहुत ही यहाँ पर हम लोगों की मदद करके पुल का काम चालू करवाया, लेकिन अभी भी जो है पुल तो बन गया है, अब अभी निकलने में कुछ दिक्कतें हैं। जो काम चल रहा है, जो है हम लोगों को आशा की किरण दिखी है कि अब हो सकता हम लोगों को इस नाव से निजात मिल जाए। अभी जो है तो नाव का कुछ दिन और सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इससे छुट्टी मिलने वाली है। जी सर, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार बहुत देरी से यहाँ पे इस पुल पर जो है उनको पुल पे उनका जो है नजर रही है और जिससे ये अब जो है बन पा रहा है। जी सर, अब देर तो हुई है, लेकिन हम लोगों को जो है इस समस्या से निजात मिलने वाली है। काफ़ी 6-7 साल से पुल पहले बना, थोड़ा फिर रुक गया, रुका पड़ा रहा, उसके बाद में माननीय सांसद जी आए, नाव जाई नहीं काम चालू करवाया। किस तरीके से